और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की अहम अपडेट आ रही है। चुनावी अपडेट, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई चुनाव के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज दिख रही है और सियासी दलों के अंदर अब मंथन चल रहा है प्रत्याशियों के चयन को लेकर। अखिलेश यादव अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं, तो इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी में आज बैठकों का दौर चलेगा। लखनऊ में आज अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच अहम बैठक होनी है, इस वक्त की बड़ी अपडेट है सपा से जुड़ी हुई। और खास बात यह है कि इस बैठक में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रह सकते हैं। तो सीटों के गणित और उम्मीदवार चयन पर आज बातचीत हो रही है सपा के अंदर, और अब माना यह जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश की मुलाकात है और रामगोपाल यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे। ये अहम इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों में यह पहली बार होगा जब शिवपाल, अखिलेश और रामगोपाल यादव एक साथ बैठेंगे। और सपा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये तीन रणनीतिकार तय करेंगे कि आखिर अब टिकट वितरण का ऐलान किस तरह करना है, शुरुआती 3 चरणों के लिए क्या खास रणनीति समाजवादी पार्टी को बनानी है, उस पर आज अहम वार्ता लखनऊ में होगी। तो शिवपाल को 10 जिलों की कमान सौंपी जा सकती है, 10 जिलों की चुनावी रणनीति की कमान शिवपाल सिंह यादव के कंधों पर सौंपी जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। शिवपाल सिंह यादव हालांकि चाहते हैं कि उनके उम्मीदवारों को अब साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतारा जाए, और अखिलेश यादव भी इसको लेकर तैयार है। तो लखनऊ में आज सपा की अहम बैठक होनी है जिसमें शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रह सकते हैं। वहीं टिकट वितरण पर भी अब बातचीत अंतिम दौर में है। टिकट वितरण को लेकर अब अंतिम निर्णय सपा को करना है और उम्मीद यह है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाना शुरू होगा।